सर कल आपने इंडिया वर्सेस हांगकांग का मैच देखा होगा। मैच स्लो चल रहा था लेकिन सूर्य कुमार यादव ने आके मैच को एकदम पलट दिया। कैसी इनिंग्स लगी उसकी? ये है कि आप देख लो, उसने हांगकांग के साथ जो मैच हुआ है उसमें उसने कितना अच्छा स्कोर किया है। स्कोर तो अच्छा किया लेकिन स्ट्राइक रेट देखा आपने, कितना तेज खेला। हाँ, बहुत अच्छा खेलने वाला है वो, और आगे जाके ये पाकिस्तान के साथ जो मैच होगा उसमें भी देखना, वो बड़ा अच्छा खेलेगा वो। एंड में आके सूर्य कुमार यादव ने, उसने बहुत अच्छा खेला। वो ऐसे ही है, सूर्य यादव एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, 2020 फॉर्मेट का बहुत बेहतरीन बैट्समैन है। उसका एक मकाम है, उसकी स्ट्रगलिंग है। बाज़ुकात लक होती है उसमें, मैं तो ये समझता हूँ कि कोई इतनी वो चीज़ नहीं है, लेकिन जब मज़ा आएगा जब ये यही स्कोर ये पाकिस्तान के खिलाफ से चल के। मेरी बात है कि जब पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ प्रेशर वाले मैच में अगर वो इतने रन कर दे तो फिर उसको प्लेयर तो पूरी दुनिया माने। इम्पॉसिबल। तो सूर्य कुमार यादव अगर इसकी बैटिंग स्टाइल को एक वर्ड में अगर आप डिस्क्राइब करें, वो कौन सा वर्ड यूज़ करें? यार मैं तो कहता हूँ जैसा प्लेयर ही नहीं है पाकिस्तान के पास, क्योंकि बल्लेबाजी पे क्लास थी इसकी। मैं कहता हूँ गुड बैट्समैन। देखो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगेन मैच, पिछला हम हार गए थे, इस दफ़ा क्या उम्मीद? ये मैच पाकिस्तान ने ठोक देना इंशाल्लाह। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, ऐसे तो ना कि दिल दुख रहा है। 40% मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जीत सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एशिया कप बड़ा जबरदस्त चल रहा है, कल इंडिया वर्सेस हांगकांग का मैच था, इंडिया ने अपना मैच जीत लिया। कल पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग का मैच होगा और देखना यह कि पाकिस्तान किस तरीके से मैच जीते, और फिर संडे को दोबारा से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा मैच है और पूरे पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस दफ़ा पाकिस्तान लाजमी मैच जीतेगी। अगर कल के मैच की बात करें तो यार कल जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की सूर्य कुमार यादव ने। एक तरफ लग रहा था कि इंडिया 130-140 रन करेगी, वहीं इंडिया ने 192 का टारगेट दे दिया। बड़ी जबरदस्त किस्म की सुपर डुपर बल्लेबाजी की थी। तो हम लोगों से बात करेंगे सूर्य कुमार यादव के ऊपर कि उसको एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करें तो कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, और ये भी पूछेंगे पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग का मैच पाकिस्तान किस तरीके से जीतना चाहिए, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो आगे जाके मैच होना है उसके अंदर पाकिस्तान कैसे जीत सकता है। तो इसी वीडियो को यही सवाल लेके आए लोगों से बातें करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इंशाल्लाह आपको वीडियो बड़ी पसंद आएगी, आए लोगों से बातें करें। यहाँ पर मेरे साथ दोबारा से कोच साहब जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सर एक लाइन में बता दीजिए पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था संडे को? बस वो डे था इंडिया का, इंडिया जीत गया है। बैड लक इंडिया, गुड लक, गुड लक इंडिया, बैड लक पाकिस्तान, बस यही कहूंगा। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई है। मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। अगला संडे आएगा दोबारा से जश्न मनाएंगे, फिर पाकिस्तान जीत जाएगा। आप भी बुला देते बुरी याद थी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। सर कल आपने इंडिया वर्सेज हांगकांग का मैच देखा होगा, मैच स्लो चल रहा था लेकिन सूर्य कुमार यादव ने आके मैच को एकदम पलट दिया। कैसी इनिंग्स लगी उसकी? वो ऐसे ही है, सूर्य यादव एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, 2020 फॉर्मेट का बहुत बेहतरीन बैट्समैन है। उसका एक मकाम है, उसकी स्ट्रगलिंग है, मगर ये है कि हांगकांग की टीम को आप किस पोजीशन में लेंगे, उनका नंबर ही कुछ नहीं है। अगर वो खेल गए हैं, ये बड़ी बात है कि वो एक टॉप वन टीम से उन्होंने मैच खेला है, तो ऐसे ही तवक्कोआत थी। यार वो पिछले दिनों में ना उसका उसने बड़े अच्छे स्कोर किए हैं, ठीक है, और आप भी वो देख लें जब पाकिस्तान के साथ मैच हुआ है उस वक्त भी वो बड़ी अच्छी रिंग खेल रहा था, लेकिन कुछ मिस्टेक की वजह से आउट हो गया वो। अब ये है कि अब देख लो उसने हांगकांग के साथ जो मैच हुआ है उसमें उसने कितना अच्छा स्कोर किया है। बस उनकी जो टीम थी वो स्लो खेल रही थी, लेकिन ये है कि उनका जो एंड में आके सूर्य कुमार यादव ने, उसने बहुत अच्छा खेला। उसने सूर्य कुमार यादव की आपने बात की, सबसे पहले तो उसकी बैटिंग को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो कैसी बैटिंग आपको लगी? बैटिंग उसने माशाल्लाह बड़ी अच्छी की थी, क्लास थी इसकी। क्लास थी, क्लास की आपने बात की। सर जब भी क्लास का वर्ड सामने आता है तो विराट कोहली और बाबर आजम की क्लास हमें नजर आती है, दोनों बड़ा क्लासी प्लेयर हैं, लेकिन हमने देखा बाबर आजम और विराट कोहली का स्ट्राइक रेट बड़ा कम है। इसका 180 का कल 200 प्लस स्ट्राइक रेट था और फिर भी क्लास थी, तो इसको क्या डिफाइन करेंगे? बात है कि इनके जो मैच के अंदर एक क्लास माने, लेकिन उनकी क्लास अपनी अलग है, विराट की बाबर की अपनी जगह क्लास है, क्योंकि उनकी क्लास इस तरह है वो हर मैच में कम से कम स्कोर रन करते हैं, स्कोर टीम को लेकर चलते हैं। बाकी इन्होंने जो कल खेला वो बहुत अच्छा खेला सूर्य कुमार यादव ने, बाकी टीम उनके साथ स्लो खेली, विराट ने भी अच्छा खेला उसने, लेकिन बाकी यही है कि अब आने वाले मैचों में पाकिस्तान को चाहिए कि इससे बेहतर खेले। स्कोर तो अच्छा किया लेकिन स्ट्राइक रेट देखा आपने, कितना तेज खेला। हाँ बहुत अच्छा खेलने वाला वो, और आगे जाके ये पाकिस्तान के साथ जो मैच होगा उसमें भी देखना, वो बड़ा अच्छा खेलेगा वो, उसकी रन रेट बहुत अच्छा है। पिछले दिनों में उसने बड़ी अच्छी
सेंचुरियाँ भी मारी हुई हैं उसने, सूर्या कुमार यादव ने। बाज़ुकात लक होती है इसमें, मैं तो ये समझता हूँ कि कोई इतनी वो चीज़ नहीं है, लेकिन जब मज़ा आएगा जब ये यही स्कोर ये पाकिस्तान के खिलाफ से चल के दिखाएगा। यही मेरी बात है कि जब पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ प्रेशर वाले मैच में अगर वो इतने रन कर दे तो फिर उसको प्लेयर तो पूरी दुनिया मानेगी। इम्पॉसिबल यानी ये सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के खिलाफ रन नहीं मार सकता, बिल्कुल नहीं। अच्छा देखा जाए तो कल उसने जो इनिंग्स खेली थी ऐसी इनिंग्स नंबर चार पे पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बल्लेबाज सर नहीं नजर आ रहा। तो एक देखें मेरी बात सुने, एज अ माशाल्लाह वो ज़्यादा समझदार हैं इस चीज़ में, मैं तो अपना पुनियम दे सकता हूँ, ठीक है। बाबर आजम को और रिजवान को ओपनर नहीं आना चाहिए, हर कोई यही कह रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना पुनियम दे रहा हूँ कि इन दोनों को ओपनर नहीं आना चाहिए, दूसरे या तीसरे नंबर पर इनको आना चाहिए। बात की पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेलेगा तो पाकिस्तान के पास तो नंबर चार पे ऐसा बल्लेबाज नहीं है। या पाकिस्तान के पास जो 1-2-3 के बाद ना वो हिटर ही हैं, लागे लागे ना लगे तो के गलती है ना सारे। अब देखे ना पिछले दिनों में जो भी इंडिया के साथ मैच हुआ है, जो भी बॉलर आ रहा है अनफिट, दो ओवर कराए अनफिट फिट ही नहीं है वो लड़के, तो ये क्या करेंगे आगे जाके। तो आपकी नज़र में ऐसा कौन सा बल्लेबाज है जो इस तरह की तेज भी खेल सकता है और क्लास भी नज़र आती है, खेलता है तो प्यारा भी खेलता है, ऐसा कोई खूबसूरती के साथ तेज खेलने वाला पाकिस्तान का प्लेयर? मैं ये समझता हूँ कि रिजवान को नीचे आना चाहिए या बाबर को नीचे नंबर टू आना चाहिए, या दोनों बैट्समैन को एक साथ नहीं आना चाहिए। फ़खर जमान प्योर ओपनर बैट्समैन है, इनको ओपन आना चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो एकदम डाउन होता है वो डाउन ना हो। अगर नीचे वाला आपका अभी आपकी जो सिलेक्शन है शुएब मलिक नहीं है, शुएब मलिक एक ऐसा बैट्समैन था कि वो खुद भी 30 करता था, साथ वाले को भी 20 करवाता था। पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग का मैच है, पूरी उम्मीद है पाकिस्तान जीत जाएगी, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान को अच्छे विन के साथ जाना चाहिए ताकि संडे वाले मैच में अच्छा नतीजा। ये मैच ये समझ के प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस मैच है उनके लिए इंडिया के लिए, कि अगर ये आपके बैट्समैन अच्छी परफॉर्म करते हैं तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये इंडिया के खिलाफ वही बैट्समैन अच्छी परफॉर्म करेंगे। अगर आपका ये मोराल ऐसा रहेगा तो वो ऐसे ही है जैसे आप समझ रहे हैं। तो क्या लगता है मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का संडे को मैच होगा, कोई चांस है पाकिस्तान का? बहुत मुश्किल है, ऐसे तो ना के दिल दुख रहा है। 40% मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जीत सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। बॉलर ही नहीं है, सब अनफिट है, क्या करेंगे। वो शाहिद फरीदी जो है वो भी अनफिट है। ये बात तो आपने की है, बात तो सच है, लेकिन है रुसवाई की, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि लड़के भी फिट हैं, कह तो न्यूज़ तो पाकिस्तानी है। हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान अच्छा खेल जाए, 10 ओवरों में अच्छा स्कोर कर जाए, 90 तक कर जाए, तो फिर इनके चांस बन सकता है कि चलो 200 या 190 स्कोर करे तो हांगकांग के खिलाफ पाकिस्तान जीत। हाँ जी जाएगा। ये भी बता दीजिए कि कल जो पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग का मैच हो रहा है, पाकिस्तान आपको कैसे जीतती नजर आ रही, किस तरह से जीतना चाहिए? उसकी हमें टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह पाकिस्तान हांगकांग से तो जीत जाएगा, उसकी कोई नहीं है, लेकिन ये है कि बस पाकिस्तान को चाहिए अच्छे स्ट्राइक रेट से जीते, अच्छे स्ट्राइक रेट से जीते। ये बातें बता दीजिए, पाकिस्तान उम्मीद है जीत जाएगी। ये जो सूर्य कुमार यादव है, इसकी बैटिंग स्टाइल को एक वर्ड में अगर आप डिस्क्राइब करें वो कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? सर मैं तो कहता हूँ देखें, कोई भी हो दुनिया में, कोई भी प्लेयर हो जो अच्छा है वो अच्छा ही है, चाहे वो हिंदुस्तान का है चाहे वो इंग्लैंड का है, उसको अच्छा कहना चाहिए, स्पोर्ट्समैन यही है। अच्छा वर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ गुड बैट्समैन। सूर्य कुमार यादव से अगर इसको आप एक वर्ड में बताएं, इसकी प्लेयर को एक वर्ड के अंदर आप डिस्क्राइब करें, कौन सा वर्ड यूज़ करें? यार मैं तो कहता हूँ जैसा प्लेयर ही नहीं है पाकिस्तान के पास, जैसा प्लेयर ही नहीं है। और वैसे देखा जाए तो मिस्टर 360 को कहा जाता है, आपने देखा होगा बाबर आजम की क्लास बड़ी है, कोहली की क्लास बड़ी है, लेकिन ये लड़के की क्लास भी और स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। यार पता क्या बात है, अब ये देखें नया नया आया है, वो तो इतने मचोर हो गए खेल खेल के, ये जब भी इनको और चांस मिलता जाएगा तो ये और उभरेगा, ये और अच्छा प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का चांस मुश्किल है, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए, पाकिस्तान मैच जीत। हमारी तो दुआ ही है कि पाकिस्तान अच्छा प्रोमो करे तो जीत जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। कितना परसेंटेज आपको लग रहा है दोनों टीमें कितनी फेवरेट? फिलहाल तो 60-40 पाकिस्तान 40% इंडिया। हालांकि हम हारे हैं फिर भी 60% फिर भी, क्योंकि एक एशिया कप का और वैसे भी पिछले रिकॉर्ड देखे जाएं, पाकिस्तान अगर एक मैच हारता है तो अगला मैच जीतता है, कमबैक करता है, बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की। पूरी उम्मीद करते हैं कि आपकी बात सच्ची हो। इम्पैक्टफुल प्लेयर कौन हो सकता है संडे को? इंशाल्लाह बाबर रिजवान। कही थी कि विराट कोहली अगर उसकी फॉर्म बैक हो गई
तो वो फड़का के रखेगा। कल हांगकांग के खिलाफ आपने मैच देखा होगा, किया उसने 57 कल मारे होंगे पिछले मैच में 29 रन किया। ठीक है, अब समझ लें कि वो वापस आ गया, आ रहा है, बल्कि तकरीबन ऑलमोस्ट आ चुका है। अब अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा दोबारा से, देखें जी उनके वो बंदा फॉर्म में तो आ गया है। ठीक है, ये संडे को दोबारा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, इस दफ़ा फिर कोहली रन करेगा, उम्मीद तो है, क्योंकि देखो यार मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह करे इंशाल्लाह इस बार पाकिस्तान जीतेगा, मैं इस बार पाकिस्तान की सपोर्ट में हूँ। और सेकंडली जहाँ तक विराट कोहली की बात है, बस दुआ करें वो चले ना, वो जो जो फॉर्म में वो आया, वो कल मैंने उसकी बल्लेबाजी देखी, उसके बल्ले से जो साउंड आ रहा था ना, वो पुराना ओल्ड विंटेज कोहली वाला साउंड आ रहा था, ऐसी शॉट्स खेल रहा था। ये चीज़ यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको पहले भी मैं मैचों में बता चुका हूँ कि कोई बात नहीं, इंसान पर बुरा वक्त आ जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो बंदा, अब मिसाल के तौर पर ले लें, अब शेर होता है जंगल का तो बादशाह शेर, अगर बूढ़ा हो जाए तो क्या वो बादशाह शेर शेर नहीं रहता, शेर ही होता है, शेर होता है। विराट कोहली है भाई, विराट कोहली ये क्लास का नाम है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा तो फेवरेट भाई विराट कोहली, दुआ करेंगे विराट कोहली आउट हो जाए, पाकिस्तान मैच जीत जाए, बाबर आजम रन कर दे इस बार, क्योंकि बाबर आजम से बड़ी उम्मीद है, पूरे पाकिस्तान का दिल टूट गया था जब बाबर आजम आउट हो गया। कोई बात नहीं, लक होती है यार, ये इसमें ये आप नहीं कह सकते कि यार इस तरह ये हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं, लक हो जाते चलते, लेकिन मैं सिर्फ बता दूँ अगर बाबर चल पड़ा इस बार तो ये 50s की कहीं नहीं गई, गुड हो गया, यही उम्मीद चाहिए। जब बट साहब ने कह दिया तो मतलब कि कुछ भी हो सकता है, बहुत बहुत शुक्रिया बट साहब। ये बहुत टफ मैच होने वाला है इंडिया का, इससे भी ज्यादा टफ होगा, बहुत खतरनाक मैच होने वाला है ये, मतलब कि बुरा हाल होने वाला है। समझ लें, ये समझ लें कि अब जिसको कहते हैं ना कि सिर धड़की बाजी लगा देने, तो आपने लोगों की बातें सुनी, लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, जिसको कह सकते हैं आज की वीडियो में ज्यादा हमने कोशिश यही की कि लोगों से पूछा जाए कि जिस तरह से इंडिया वर्सेस हांगकांग का मैच हुआ, पाकिस्तान को भी ऐसे ही हांगकांग के खिलाफ जीतना चाहिए, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो संडे को मैच होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान को क्या लगता है, पाकिस्तान कितनी फेवरेट, तो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया अगर लोगों का, आपको क्या लगता है जरूर कमेंट्स के अंदर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।